हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने जो उत्तर लेखन की सीरीज की शुरुआत की है, उसमें हमारा आज का प्रश्न है कि सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत तथा बांग्लादेश दोनों की एक दूसरे पर स्पष्ट निर्भरता की स्थिति में दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करने के महत्व को बताएं एवं उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। यह प्रश्न इस बार इसलिए 66वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने अपने आज़ादी के 50 वर्ष पूरे किए हैं और इसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ था पहला, तो उसके बाद मोदी जी ने यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। इस प्रश्न का पहले हिंदी माध्यम में उत्तर देख लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का जो सबसे बेहतर उत्तर है उसे देखेंगे। वर्ष 2021 में भारत तथा बांग्लादेश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए हैं, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा करते हुए भूमिका की शुरुआत करेंगे। इन 50 वर्षों में भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भाषाई सांस्कृतिक संबंध मजबूत रहे हैं। हाल ही में त्रिपुरा तथा बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन ने दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया है। एस जयशंकर जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दोनों देशों की इस रणनीति को 360 रणनीति यानी 360 स्ट्रेटजी की संज्ञा दी है। जब आप इन करंट चीज़ों को उत्तर में समाहित करते हैं तो आपका उत्तर औरों की तुलना में बेहतर हो जाता है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच सहयोग तथा महत्व के क्षेत्र, सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन। आप बता सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसकी की लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है, यानी 4000 अगर एक जगह देखें तो 4096 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा सामरिक महत्व क्या है। भारत के लिए बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्र एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। इसके अलावा चिकन नेक गलियारा जो बांग्लादेश को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है तथा बांग्लादेश के बंदरगाहों तक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। आप इसे मैप पर दर्शा सकते हैं। चिकन नेक बांग्लादेश, भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र। अगर ऊपर चाहे तो आप चाइना का भी उल्लेख कर सकते हैं। फिर आर्थिक क्षेत्र में भारत ने जो समझौते किए हैं उनका आप उल्लेख करेंगे। भारत से बांग्लादेश को 9.21 बिलियन का निर्यात किया गया। इसी अवधि में बांग्लादेश से भारत को 1.22 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है। सार्क तथा बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों के मंचों पर दोनों देश भागीदार सदस्य हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा भारत द्वारा बांग्लादेश को कोविड-19 वैक्सीन की 90 लाख खुराक मुहैया कराई गई थी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत। किंतु इन तमाम अच्छे संबंधों के बावजूद बांग्लादेश के साथ संबंधों में कुछ चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों को आप एक माइंड मैप के जरिए दर्शा सकते हैं, जैसे तिस्ता नदी जल विवाद, रोहिंग्याओं की समस्या, बांग्लादेश का चीन के साथ भागीदारी को बढ़ावा देना, असम में लागू CAA और NRC जैसे मुद्दों पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया। इसके बाद आप बताएंगे कि इन तमाम चुनौतियों को समाधान करते हुए किन किन पहलुओं को या वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष का आप समावेश करेंगे।
अब इंग्लिश वाले उत्तर देख लेते हैं, उसमें कंटेंट ज्यादा रिच है। जो इंट्रोडक्शन है उसके लगभग सेम टाइप की शुरुआत इन्होंने भी की है कि इंडिया और सॉरी इंडिया बांग्लादेश को आज़ादी के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन के रूप में, यानी उसको मान्यता देने वाला राजनीतिक तौर पर पहला देश था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, इसे विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मुक्ति वाहिनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और बाकी जो तथ्य हैं जो मैंने अभी आपको हिंदी वाले प्रश्न में बताया कि वैक्सीन डिप्लोमेसी और बाकी चीज़ें, उसका आप उल्लेख करेंगे। इसमें इन्होंने कल्चरल में रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया है, जो कि उन्होंने नहीं किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का उल्लेख करना सांस्कृतिक रूप से जरूरी हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय अमार सुनार बांग्ला गीत है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं। बायलेटरल ट्रेड 1819 में अप्रॉक्स $10 बिलियन का रहा है। मेडिकल टूरिज्म की भी बात करेंगे आप, फिर प्रोटोकॉल ऑन आइलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड यानी PIWTT, अगर आप चाहें तो मैप को सिंपल भी दिखा सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरीके से आप जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मार्क कर सकते हैं। सार्क इमरजेंसी फंड जो प्रधानमंत्री के विशेष पहल पे बनाई गई थी उसका उल्लेख करेंगे आप, क्वाड प्लस का उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होते हैं, जैसे संप्रीति एक्सरसाइज मिलान, नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का आप जरूर उल्लेख करेंगे। इसके बाद एनर्जी एंड कनेक्टिविटी का में आप बता सकते हैं कि रूपपुर जो न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है उसमें भी भारत की सहभागिता है। अगर आप इनके उत्तर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने बहुत से ज़्यादा फैक्ट का समावेश किया है। अब इश्यूज को देखिए, इश्यूज को पहले तो इन्होंने मोटे मोटे तौर पर बताया है माइंड मैप में, और फिर उसे विस्तार प्रदान किया है। जैसे आप देखोगे कि चाइना कार्ड, तो चाइना कार्ड में क्या है, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रिवर वाटर डिस्प्यूट, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट को उन्होंने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से रिवर के साथ को लेकर डिस्प्यूट है। इसके बाद एक बैलेंस कंक्लूजन, हेंस इट कैन बी सेड दैट अपार्ट फ्रॉम इश्यूज इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज हैज सीन ग्रोन इन पास्ट ईयर्स टू इट इकोनॉमिक पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक और बोथ हैव शोन ग्रेटर जील टू कॉपरेट एंड कम्युनिकेट एंड कनेक्ट थ्रू वेरियस इनिशिएटिव एंड देयर इज नीड टू शिफ्ट फ्रॉम लिगेसी इशू टू फ्यूचर पॉसिबिलिटी फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आप भी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है, आप वहां से
उस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।